हेलो एवरीवन, वेलकम। हम सब अरिजीत सिंह सर और उनके गाने को बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि अरिजीत सिंह सर के गाने हम लोगों को सुनने मिलते ही रहे। हम चाहते हैं कि अरिजीत सिंह सर आगे भी ऐसे गाने गाते ही रहे, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक सिंगर हमेशा गाना नहीं गा सकता, इसीलिए हम लोगों को नए नए सिंगर्स को भी चांस देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सिंगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अरिजीत सिंह के बाद बॉलीवुड के अच्छे अच्छे गाने दे सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सिंगर है वो है राघव चैतन्य। राघव चैतन्य जो कि यूट्यूब में काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं और वो यूट्यूब में अपने कवर सॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। राघव चैतन्य एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। वो अब बहुत तरीके के गाने गा सकते हैं। वो अलग अलग गाने को भी गाते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है। राघव चैतन्य को उनके बॉलीवुड डेब्यू सॉन्ग एक टुकड़ा धूप के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्मफेयर का अवार्ड भी मिला है। द बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल इज द अवार्ड गोज टू राघव चैतन्य, एक टुकड़ा धूप, थप्पड़। राघव चैतन्य अरिजीत सिंह सर के बाद बॉलीवुड के अच्छे अच्छे गाने दे सकते हैं। वो एक तरीके से बॉलीवुड को अरिजीत सिंह के बाद संभाल सकते हैं। हम सब ने पिछले साल के दो सॉन्ग रसिया और आमी जे तुम्हार सॉन्ग को सुना ही होगा और लोगों को ये सॉन्ग काफ़ी पसंद भी आया था। इस दोनों सॉन्ग्स के सिंगर तुषार जोशी हैं। यस, तुषार जोशी। तुषार जोशी एक बहुत ही वर्सटाइल सिंगर हैं जो बहुत ही तरीके के गाने गाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गाते हैं। तुषार जोशी अरिजीत सिंह के बाद उनके खालीपन को आसानी से भर सकते हैं और अरिजीत सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उनके फेवरेट सिंगर तुषार जोशी ही हैं। तो तुषार जोशी एक अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं अरिजीत सिंह के बाद, जो बॉलीवुड के अच्छे अच्छे गाने दे सके। Any new voice that you heard recently that you thought, wow man, what a voice, male, female, anybody recently? There is a singer called Tushar, I'm forgetting his... Where is he from? He's from Mumbai, I think. He's working in Jam 8. So Jam 8 is a... I think it's a breakdown from Pritam's, one of Pritam's concept actually. Jam 8 karke ek unhone company banaya hai jahan pe new composers can come and they can do music. Excellent. What's it? Jam 8. Jam 8. Jam 8 students. They've been doing music. Haan, bahut sare log hain. Wahan pe Tushar kaam karta hai. He's composing things, but he sings very nice. I really liked his couple of songs that he has sung. Okay. So jo third singer hai jo Arjit Singh ke baad Bollywood ka acche acche gaane de sakte hain, Arjit Singh ki kami ko थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, वो है अभय जोधपुरकर। अभय जोधपुरकर एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं जो एआर रहमान जैसे लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर के साथ भी काम कर चुके हैं। जीरो मूवी के सॉन्ग मेरे नाम तू जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया था, उसके सिंगर भी अभय जोधपुरकर ही हैं। और अभय जोधपुरकर ने उस गाने को काफ़ी अच्छे से निभाया था और गाया था। सुनने में वो गाना बहुत ही अच्छा लगता है। उस गाने के लिए अभय जोधपुरकर को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और मिलना भी चाहिए। तो अभय जोधपुरकर एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है अरिजीत सिंह के बाद, जो बॉलीवुड को आगे ले जा सकते हैं, अच्छे अच्छे गाने दे सकते हैं। गाइस, अरिजीत सिंह एरा इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला और इसी बीच और भी बहुत नए नए सिंगर आएंगे जो अरिजीत सिंह सर से इंस्पायर होंगे और आगे जान के उन्हीं को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस मतलब एक तरीके से उनको भी गाने का मौका मिलेगा बॉलीवुड में, चाहे वो अरिजीत सिंह सर के साथ हो या फिर सोलो हो। तो ऐसे हम 100% प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कौन सिंगर कितना आगे तक जाएगा और कौन जाके किसको रिप्लेस करेगा, बट फिर भी ये तीन सिंगर हैं जो मुझे लगता है कि आगे जाके अरिजीत सिंह सर के जगह को ले सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके खालीपन को भर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सिंगर हैं जैसे जुबिन नौटियाल, दर्शन रावल, बट ये ऑलरेडी अपने करियर के पीक पे हैं। वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और अरिजीत सिंह सर के साथ ही चल रहे हैं, इसलिए इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। By the way, मैं इस वीडियो का पार्ट टू ही बनाने वाला हूँ, तो कमेंट में आई एम इंटरेस्टेड जरूर लिख देना। और अरिजीत सिंह सर के बारे में सेलिब्रिटीज़ क्या सोचते हैं, वो उनको कितना एडमायर करते हैं, वो उनको कैसे देखते हैं, उनके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।